फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल। टुडे वी लर्न क्लासिक साइंस कंपोजिशन ऑफ मैटर। इन द प्रीवियस वीडियो वी विल लर्न चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। इन दिस वीडियो वी विल लर्न कंपोजिशन ऑफ मैटर। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देर आर टू टाइप्स ऑफ मैटर, प्योर एंड इम्प्योर। व्हाट इज प्योर मैटर? व्हाट इज प्योर मैटर? प्योर मैटर क्या होता है? प्योर मैटर ऐसा सब्सटेंस होता है जिसे हम लोग फिजिकली डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और इम्प्योर मैटर जो होता है वो ऐसा सब्सटेंस है जिसे हम लोग फिजिकली डिवाइड कर सकते हैं। प्योर मैटर का एग्जांपल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो होता है वो सिंगल सब्सटेंस से मिलकर बनता है, और जो इम्प्योर है उसका एग्जाम्पल है एयर। एयर जो है बहुत सारे गैस का मिक्सचर है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। अब जो प्योर सब्सटेंस है वो भी टू टाइप्स के होते हैं। कौन सा टू टाइप्स? एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड। तो व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट ऐसा सब्सटेंस होता है जिसे हम लोग केमिकल प्रोसेस से भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंस ऐसा होता है जिसे हम लोग फिजिकली डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन एलिमेंट जो होता है उसे हम लोग केमिकली भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग उसे केमिकली डिवाइड कर सकते हैं तो उसे हम लोग कंपाउंड कहेंगे। एलिमेंट का एग्जांपल है कॉपर, कार्बन, और कंपाउंड का एग्जांपल है साल्ट एंड वाटर। कंपाउंड जो होता है वो बेसिकली एलिमेंट से ही मिलकर बनते हैं। एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, जैसे कि साल्ट है। साल्ट कैसे बना है? सोडियम क्लोराइड से। और जो एलिमेंट और जो कंपाउंड बनते हैं वो एक फिक्स्ड रेशियो में मिलकर बनते हैं। जैसे कि वाटर है, वाटर हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, तभी वाटर बनेगा। तो अब जो है एलिमेंट भी टू टाइप्स के होते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। अब व्हाट इज मेटल? मेटल क्या होता है? मेटल आर जनरली हार्ड सॉलिड, बट इसमें कुछ एक्सेप्शन है। मेटल तो हार्ड सॉलिड होते हैं लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। वो क्या है? सोडियम। सोडियम जो होता है सॉफ्ट सॉलिड होता है, वो इतना सॉफ्ट होता है जैसे हम लोग नाइफ से भी कट कर सकते हैं। और जो मरकरी है, मरकरी जो लिक्विड होता है तभी वो मेटल है, ठीक है। मेटल जो होता है उसमें शाइनिंग करता है। मेटल को हम लोग वायर बना सकते हैं क्योंकि मेटल जो है वो बेस्ट कंडक्टर है। मेटल जो होता है उसे हम लोग कभी गिराएंगे कहीं तो वो जो है मेटालिक साउंड करेगा। लेकिन नॉन मेटल जो है वो डल लुकिंग है, वो शाइनिंग नहीं करेगा। अगर हम लोग उसे यहाँ से गिराएंगे तो मेटालिक साउंड नहीं करेगा, डिफरेंट साउंड करेगा, ठीक है। और हम लोग नॉन मेटल का वायर भी नहीं बना सकते क्योंकि जो नॉन मेटल है वो बेस्ट कंडक्टर नहीं है। सो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज होमोजीनियस सबस्टांस। ए सबस्टांस इज होमोजीनियस इफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ इट हैव द सेम प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन। जो होमोजीनियस है वो ऐसा सब्सटेंस है अगर उसका अलग अलग जगह सैंपल लेंगे तो सारे सैंपल का कंपोजिशन और प्रॉपर्टी सेम होगा। जैसे कि इसका एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर। वाटर सेल शुगर को हम लोग यहाँ पर अच्छी तरह से मिला दिए हैं, तो यहाँ पर ये जो है सब अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। इसका डिफरेंट जगह से सैंपल लेंगे, सारा का टेस्ट सेम होगा। तो ये जो एग्जाम्पल है वो होमोजीनियस का है। ऑल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब होमोजीनियस के एग्जांपल हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, निकल। ऑल कंपाउंड आर एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस। जितने भी कंपाउंड है वो भी होमोजीनियस के एग्जांपल, जैसे कि साल्ट, वाटर, ठीक है। अब है नेक्स्ट है हेटरोजीनियस सबस्टांस। ए सबस्टांस इज हेटरोजीनियस इफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ इट इज डिफर इन प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन। हेटरोजीनियस की ऐसा सबस्टांस है जिसका अलग अलग जगह सैंपल लेंगे तो सारे का कंपोजिशन और प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड सैंड। वाटर और सैंड को कितना भी अगर हम लोग मिलाएंगे तो वो मिक्स नहीं होगा। अगर अलग अलग जगह सैंपल लेंगे तो सारा सैंपल का कंपोजिशन और प्रॉपर्टी सेम नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, देख कर बता सकते हैं कि हेटरोजीनियस, क्योंकि यहाँ जितना सैंड है सब नीचे बैठा हो, कुछ कुछ ही ऊपर है, इसलिए ये जो एग्जांपल है वो हेटरोजीनियस का है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आई मीट यू टुमारो विथ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स।